Hello all my viewers, and in this lecture I'm going to solve this question from the topic induced electric field. तो ये क्वेश्चन है जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, इनफैक्ट ये टॉपिक भी करता है. देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे. ए मेटल रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर. इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड इज डी बाई डी टी, फाइंड द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस ए बी. तो हमें ईएमएफ निकालना है कितना डेवलप होगा एरिया में. अब ऐसा क्यों होगा पहले वो समझते हैं. जब भी किसी रीजन में फील्ड बदलती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इसके डिफरेंट फॉर्मूला होते हैं. इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे सिलिंड्रिकल रीजन में निकाल लेंगे. और ठीक, तो यहां भी फील्ड पैदा होगी जिसका नेचर हमको पता होता है. तो अगर कोई रीजन है तो जो फील्ड होती है वो सर्कुलर होती है, इस नेचर की होती है. ठीक, वो भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि फील्ड बढ़ रही है कम हो रही है. यहाँ तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बस चेंज दे रखा है, हमें डायरेक्शन चाहिए भी नहीं. इतना पता है कि फील्ड का नेचर जो होगा सर्कुलर होगा और उस फील्ड की वैल्यू भी पता होती है. फिर फील्ड अंदर कितना होगा उधर आर बाय टू डी बी बाय डी टी, बाहर कितना होगा आउटसाइड आर स्क्वायर बाय टू आर डी बी बाय डी टी. यहाँ पे कैपिटल आर तो रेडियस है और स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, निकाल सकते हैं. अभी छोड़ते हैं, हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हम ए बी में निकाल रहे हैं. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है कि ई एफ आता है, डेल्टा वी आता है, जो हम निकाल सकते हैं ई डॉट डी एल से, इसको ई एफ बोल सकते हैं. ठीक है, और ई एफ हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू मॉड, अगर लिखें तो डी फाइव बाई डी टी भी होता है, हीट ऑफ इंटर फ्लक्स. तो मैं काम करता हूँ, मैं एक इमेजनरी लाइन एक मानता हूँ, ऐसे कुछ ये तो एक लूप मान लेता हूँ ओ ए बी. अब मैं फ्लक्स लिखता हूँ मैं ईएमएफ इस पूरे लूप से ओ ए बी ओ से. तो ये होगा इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू फ्लक्स. तो फ्लक्स होगा इससे बी इंटू जितना इसका एरिया है, इसकी लेंथ तो एल है. ठीक है, और हमें कुछ इसमें और नहीं पता, लेंथ एल है और रेडियस इसका आर मान लेते हैं, गिवन हमको आर रेडियस. तो ये आर, तो ये निकाल सकते हैं इसका एरिया, ये हाइट निकाल सकते हैं. दिस हाइट विल बी इक्वल टू एच, मान लो एच इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल वाई टू का होल स्क्वायर. ये एल वाई टू होगा, तो पाइथागोरस हमने एच निकाल लिया. अब फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज एच पुट कर लेते हैं. सो एल एच, बी वेरिएबल है, बी को बाहर कर लेते हैं, मैं कंड्यूस एल एच की वैल्यू होगी द रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर बाय टू इंटू डी बी बाई डी टी. अब ये इसमें कंड्यूस होगा ए ओ ए बी ओ में, मतलब ओ ए ए बी और बी ओ में. अब इसको मैं लिखता हूँ ओ ए में होगा प्लस ए बी में होगा प्लस बी ओ में होगा, इन तीनों लूप को मिला के जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो निकल के ये आएगा जो आपने निकाला था. ये सेम टर्म यहाँ पुट कर सकते हैं, ये मैंने इमेजरी इमेजिन किया यहाँ पे, इसे हम कर सकते हैं. अब ओ ए में देखते हैं कितना होगा. आपको ये पता होना चाहिए कि जो फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ऐसे सर्कुलर होती है. तो अगर आप यहाँ कहीं अगर आप फील्ड निकालें तो फील्ड कुछ ऐसी आएगी, और फील्ड मतलब ऐसे रहेगी हमेशा. अब ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो लेंथ वेक्टर तो इसका ये है, इस तरह कुछ ये इधर है, तो एंगल जो है वो 90 है. अगर यहां देखे तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और लेंथ कुछ ऐसे है, तो फिर से एंगल 90 है. तो जब इस ईएमएफ को लिखेंगे आप, तो ये ई डॉट डी एल होता है, मतलब ई डी एल कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 हो जाएगा यहां भी और यहां भी. दैट मींस कि ये दोनों टर्म जीरो हो जाएगी बिकॉज ऑफ कॉस 90. जो नेट ईएमएफ इंड्यूस है वो सिर्फ ए बी में ही होगा, बिकॉज यहां पे फील्ड डिफरेंट एंगल्स पे होंगे, कुछ कभी ऐसे तो कभी ऐसे. तो यहाँ पे जो ये दोनों जीरो हो गए, जो ई ए बी बचा दैट विल इक्वल टू एल बाय टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय फोर इंटू
dt ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसे करने एक तरीका और होता है कि एलिमेंट ले इंटीग्रेट करें, लेकिन बेटर है इसको ऐसे करें। तो कभी और बताएंगे किसी और सवाल में उस मेथड को। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।